क्योंकि मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा और ये बुरा मत मानियो। अब के सुना के देखिए, कोई भी त्योहार है, कोई भी तीज है, हंसते गाते होते हैं पूरे, सबके जन्मदिन मनावे और को बुढ़ा मर जाए नहीं, जिसके सारी बातें मुझे उसका भी जी मना नहीं करे और उसमें भी नाचने गानी आवे। एक चुटकुला में सुना देता हूँ, तब तक ये बहुत, ये सच्ची में ये सूचे कलाकार है, ये लोग ये बड़े कलाकार हैं। हम तो बताऊं था ना, मैं तो नकली सारंगी ले रहा था और वो जो सारंगी बजी हुई है सीडी में, वो भी हमारे इसी समाज के लोगों ने, इंद्र के परिवार ने वो सारंगी बजाई, मैं तो नकली के छाऊं था। तो आइए, इस भाई ने कह दिया चुटकुला, मैं सुना देता हूँ। पहले मैंने ये बताओ चुटकुला सुनाने, तो पहले ए बेबे तमारे बैठी हो कोई आकली तो नहीं बैठी, नहीं खाम खाई डेढ़ का बीज मेरे पे छुड़ा गया। चलो कोई ऐसा भाई जो अकड़ा, जिसके बैरंग फूट रहे हो, ऐसा तो नहीं बैठा कोई। चलो हंसते हंसते थोड़ा सा इस गीत के बाद विदा लेंगे। एक अकड़ा आदमी पान की दुकान पर चलेगा, पनवाड़ी की दुकान पे, और उस पान की दुकान पर उसने जरूरत थी गुलकंद की। गुलकंद है मीठा गुड़ जैसा, हमारे बुजुर्ग महेश भूषण विद्या ग्रंथ छटाई का, गुलकंद की जरूरत थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के थी, दिक्कत के थी। आकड़ा एक अद बात पटक तीनों गए पट क्या करता, मतलब गए नहीं बना था। आइए शुरू करते हैं। जाके ने बोला बाबा भाई साहब ये पपाम पपाम पाम 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 पान की दू 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 पान की दुकान है, उसने कहा जी पान की दुकान है, जो मीठे पान पे गुलकंद गुलकंद की जरूरत है। बोला ये पपाम पान की दुक 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 पान की दुक दुकान है, तो आपके पास वो गुक 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 गए नहीं बने, वो गए पट क्या, तो उसका बाबू ठह पट क्या करता। जब पहली बार उसका बाबू ससुराल गया, उसके ससुर ने पूछा बेटा राजी खुशी ठीक ठाक, अब प्रॉब्लम चढ़ गई। हाँ जी ठह नहीं बना जी, ठक 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 दीदे बार आ गए, मुंह में जो घूड़ आ गए, गिट्टी फूल गई, जी लिकड़न हो रहा ठह तो बनाने, तो मैं जो ठी ठटंग ठटंग ठक ठक ठक। जब जमा जी लिकड़न हो गया, उसका ससुराल ने बोले हे भगवान, इस बार मेरे जमाई के सांस उल्टे ले दे, जा आगत आगे तो मेरी सासू के राजी खुशी की नहीं पूछूंगा। अब वहीं चलते हैं, वहीं चलते भी काम खत्म हो गया। वो गुलकंद मांगला रहा उड़े चलते अटके, वो निमले आपके पास गुगु गुगु गु चाट के भी दिखा गुगु गु 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 गुलकंद से पान वाला भी आशा निमले रे भाई गुलकंद तो से फिर इतना गाढ़ा तो कौन जितना तू मांगे है। आगे गांव का बाहर गया, पाली खड़े अपनी माशा गान लेके, उससे रास्ता कोई नहीं, कोई उससे रास्ता पूछने लग गया भाइयों मेरा ईश्वर। अब वो रास्ता पूछने लग गया, उससे पाली से निबले बाबा बाबा भाई साहब प्यार से पूछा, निबले बाबा बाबा भाई साहब ये 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 रास्ता कहाँ जाएगा। वो पाली भी आकड़ा था, उसने सोचा तेरे स्वाद ले है, क्यों गरीब पाली उसके सारे हंसी करते, चुप हो गया। उसने फिर छो में पूछा, निबले तेरे से पूछो रास्ता कहाँ जाएगा, पाली का भी पूरा छोटा निबले जून से काम तेरी बे रखी उड़ा जा रहा है रास्ता। झगड़ा हो गया जी, उसने उसको लठ मारा, उसने ईंट मारी, उसने वो पटका दूलम दूला खूनम खूना चोटम चोटा। थाने में सचो साहब के पास पहुंच गए, जिसके कि नहीं चोट लग रही थी, रोता रोता ने बजे इतने मरे ईट मार के मेरा चर 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 पड़ दिया जी। उन्होंने बोला जी ऐसे नहीं पपम पम पम ऐसे नहीं पम पम पपम पम पोड़ा, ये मेरे को बहन की, वो गए का फिर रोला छिड़ गया, मेरे को बहन की गग गग बहन की गग बहन की गाल दे था जी। वो थानेदार भी साहब आ गया,
ओनु बोला तुम न्यू न्यू बता तुम्हारी लंग लंग लड़ाई किस बात पर आई? वो दोनों लजी इससे बात हुई थी। बोले फिर लड़ाई के बाद हम तुम्हारे साडू निकले मोज लो चलो।